राजधानी लखनऊ से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रशासन के अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहे अवैध रूप से लेन देन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर मुंशी पुलिया चौराहे पर एक ओवरलोडिंग डंपर मोरांग से लदी गाड़ी, जिसका नंबर UP78CT4496 बताया जा रहा है, उसको SIT आदित्य कुमार सिंह ने चेकिंग के दौरान अपने होमगार्ड से रुकवाया और गाड़ी के पेपर मांगे। इसके पश्चात कमता चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात SI रामबलि यादव द्वारा फोन पर की गई वार्ता के दौरान ओवरलोडिंग गाड़ी को TSI आदित्य कुमार सिंह ने छोड़ दिया। बताया जाता है कि ओवरलोडिंग गाड़ी किसी अधिकारी की थी, जिसके चलते उस गाड़ी को छोड़ दिया गया। क्या राजधानी लखनऊ में अधिकारियों के लिए कोई नया नियम आया है या फिर उनके लिए कोई नियम लागू ही नहीं होता? अब सवाल इस बात का है कि आखिर नो एंट्री के दौरान उस लोडिंग गाड़ी को क्यों छोड़ दिया गया। लोगों के मुताबिक राजधानी लखनऊ के कमता चौराहे पर TSI रामबलि द्वारा अवैध रूप से ओवरलोडिंग गाड़ियों का सिलसिला चलता रहता है और इसका जिम्मा TSI रामबलि यादव का है।